करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया। मुझे आते हुए थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, फिर मैं इतने सारे अच्छे अच्छे हरियाणा के लोगों से मिला तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जो सबसे बड़ा आइटम हरियाणा का था वही भेजना था दिल्ली आपको। आप में से कोई भी आ जाता, हम तो करने लगे हरियाणा वालों से बात करते हुए। अभी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है आप लोगों से मिलके, वरना मेरे को सच में मैंने को एक नहीं झेला जा रहा जी हमसे। और एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ, 6 महीने बाद वापस भेज रहे हैं उसे आपके पास। अब आप ही संभालो अपना तोहफा। ये जो मुद्दा है मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया जिस पर बात करने के लिए मेरे को कहा गया है, अगर एक फर्क सोशल मीडिया के होने और ना होने के बीच में पिछले 10-20 सालों में जो इस देश में हो रहा है, केवल एक फर्क अगर बताना हो तो मेरे को लगता है कि मोदी जी दोबारा जीत रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, और वाजपेयी जी नहीं जीते थे क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। ये मेरे को एक सबसे बड़ा फर्क लगता है। अगर आप वाजपेयी जी की सरकार को देखें तो एक चीज जो मिसिंग थी वो ये थी कि सोशल मीडिया नहीं था, जनता जवाब नहीं दे पा रही थी, वरना हथियार तो सारे यही चलाए जा रहे थे जो मोदी जी पे चलाए गए हैं, सारे सेम। ताबूत का पूरा मामला खड़ा किया गया और राफेल का जो पूरा मामला खड़ा किया गया, इसमें फर्क कहां से पैदा हुआ? वो वाजपेयी जी को भी चोर कहते थे, आज वो वाजपेयी जी को बहुत महान कहते हैं, लेकिन जब वाजपेयी जी कुर्सी पर बैठे थे तो उनको भी चोर कहते थे, लेकिन तब जवाब देने के लिए आप और हम लोग नहीं थे। आज कोई रवीश या अभिसार की औकात नहीं है कि झूठ बोल दे और झूठ बोल के निकल जाए। अब हम बैठे हैं,